सुपरहिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मोस्टली न्यूज में आजकल बना ही रहता है। पिछले कुछ टाइम से तो सिर्फ इस वजह से बना हुआ है क्योंकि हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई एक्टर शो छोड़कर जो जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा झटका फैंस को तब लगा था जब तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले करने वाले शैलेश लोढ़ा ने सीरियल को गुड बाय कह दिया था। बहुत दिनों से खबरें ये भी आ रही थी कि जिन एक्टर्स ने सीरियल को छोड़ा है, प्रोड्यूसर ने उनकी पेमेंट तक रोक दी है और उनकी फीस पूरी नहीं दी है। तो अब फाइनली प्रोड्यूसर असीत मोदी ने इस पर रिएक्ट करते हुए कह दिया है कि जो भी कह रहा है कि हमने पैसे नहीं दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी की भी मेहनत के पैसे जेब में रखकर क्या करूंगा। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सबसे ज्यादा तो मुझे प्यार दिया है। मुझे खुशी है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ। इसी के साथ बैक टू बैक एक्टर्स के शो को छोड़ने पर भी असीत मोदी ने कहा है कि 15 सालों की ये जर्नी है। 2008 में हमने इस शो को शुरू किया था। ज्यादातर आर्टिस्ट अभी भी वही है, हाँ कुछ लोग बदले हैं, लेकिन मैं उनके कारणों यानी कि रीजंस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सबको जोड़ कर रखता हूँ। हमारे शो में कभी भी किसी टाइप का झगड़ा या कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती है। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो ये टीम है 2008 से, ये सब परिवार है और सब साथ में मिलकर ही काम करे। हमारी वजह से कोई शो को छोड़कर जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और वो था दया बेन की वापसी यानी कि दिशा वकानी की इस सीरियल में वापसी को लेकर। एक ऐसा कमबैक जिसका ढेर सारे फैंस काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। अब इस पर असीत मोदी ने कहा है कि दिशा वकानी आए तो बहुत अच्छा है, पर अब उनकी फैमिली लाइफ भी है और वो उनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। उनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब टप्पू आ गया है तो दया बेन भी जल्दी आ जाएंगी। दया भाभी का वही गरबा डांडिया सब गोकुल धाम सोसाइटी में सब कुछ शुरू हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, अब ज्यादा देर नहीं है, दया भाभी जल्दी ही आएंगी। बस फिर अब ये सुनकर तो मैं श्योर हूँ कि आप सारे के सारे फैंस बहुत ही खुश हो गए होंगे। आखिर सभी लोग दया बेन की वापसी का बहुत टाइम से वेट जो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से शो के प्रोड्यूसर ने आज फाइनली इस पर बात करी है, उससे तो लग रहा है कि वो पूरी की पूरी कोशिश में लगे हैं कि दया बेन इस सीरियल में जल्दी से वापसी कर ले। बाकी देखते हैं कि अब आगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या क्या नया होता है। लेकिन अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि क्या आप दिशा वकानी को इस सीरियल में एज दया बेन देखना चाहते हो या फिर किसी नए चेहरे को। बाकी गाइस इसी के साथ इतना ही। मैं तो नाक्षी कालरा बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर इसी तरह के और भी सारे एंटरटेनमेंट अपडेट चाहिए तो देखते रहना ENT Live।